फ्रेंड, दिस इज राकेश गुप्ता। टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स। तो ये चैप्टर आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है, तो उसके आप और डिटेल में पढ़ोगे क्लास 10th में। यू विल लर्न डिफरेंट मेथड टू फाइंड द मीन मीडियन मोड फॉर द ग्रुप डेटा। ठीक है, तो उसके डिटेल में हमें पढ़ना है। आपने क्लास 9th में इसका बेसिक पढ़ाया था, ग्राफ बनाना सीखा था और अनग्रुप डेटा के लिए किया था, लेकिन इस बार हम ग्रुप डेटा करेंगे। तो लेट स्टार्ट के बारे में, मीन, मीडियन एंड मोड, उसका आपने अनग्रुप डेटा का ये तीनों फाइंड करने देखा था। लेकिन अभी चैप्टर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। जो एक टेबल में दिया रहता है, क्लास इंटरवल दिया है, उसका मीन मीडियन मोड निकालने का हम लोग सीखेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें आपको पहले हम लोग मीन का देखेंगे। मीन के तीन मेथड है, या थ्री मेथड टू फाइंड मीन। मीन फाइंड करने के तीन मेथड है आपके पास। पहला आपका डायरेक्ट मेथड है, फर्स्ट इज योर डायरेक्ट मेथड। सेकेंड इज अज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड इज स्टेप डिविजन। तो तीनों मेथड को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें जो ये लास्ट मेथड है, यूज उसका ही करना रहता है। ठीक है, बाकी दो मेथड का यूज नहीं करते, बहुत लेंदी और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है ये दो मेथड में। तो हम लोग ये मेथड का प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक एक करके तीनों के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे ये चैप्टर को, स्टेट्स को। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन फर्स्ट। कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अ सर्वे वाज कंडक्ट बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस। ठीक है, फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन अ हाउस इन अ लोकेलिटी। 20 हाउस का एक डेटा कलेक्ट किया, फाइंड द मीन। देखो, नंबर ऑफ प्लांट दिया, नंबर ऑफ हाउस दिया, तो इसमें क्या रहता है आपका, देखो टेबल बना रहा था। पहला होगा आपका क्लास, मैंने लिया 0 से 2 दिया है, टेबल बुक में दिया है आपको, तो आप देखना 4 से 6, 6 से 8 और आपका है 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 14। ये आपको एक ऐसा टेबल दे दिया है। और फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं नंबर ऑफ, इसमें दिया नंबर ऑफ हाउस, मतलब इतने प्लांट एक घर में है, इसमें हाउस कितने हैं। ठीक है, तो नंबर फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 है, अगेन 1, 5, 6, 2 एंड 3, लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ हाउस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसमें हम लोग कॉलम बनाते हैं। ठीक है, आपका 4 कॉलम बन रहा है। तो पहला आपको जो फाइंड करना रहता है वो है xi। क्या फाइंड करोगे, xi, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोला जाता है, क्लास मार्क, xi। ठीक है, xi कैसे फाइंड करते हैं, xi का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर xi इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ये xi का फॉर्मूला। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट इंटरवल, हियर अपर लिमिट इज 2 एंड लोअर लिमिट 0, तो क्या हो जाएगा आपका, xi विल बी 2 प्लस 0 बाय 2, दैट इज 2, 2 बाय 2 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा 1। समझ में, कैसे फाइंड करना है, इसका क्या होगा, 3 कैसे, 2, 4 प्लस 2, 6 बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 4 प्लस 2, 6 बाय 2 मतलब 3, ये 5, ये 7, ये 9 आ गया आपका, ये 11 और ये 13। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब क्या होता है, क्लास में मतलब मिडल वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 0 2 का वैल्यू 1 होगा, 2 4 का 3 होगा, ऐसे निकाल लिया आपने। फिर आपको निकालना है fi into xi, क्या निकालना है, fi into xi, ये fi xi दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई दिस टू टर्म। देखो मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 1 आया, 2 into 3 6 आया, 1 into 5 5 आएगा, 7 5 35, ये आ गया आपका 54, ये आ गया आपका 22 एंड देन 39। ये दो ये निकालने के बाद आफ्टर दिस यू हैव टू फाइंड सिग्मा एफ आई। क्या फाइंड करना आपको, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी का सम। तो करो कितना होगा, देखो 1 2 3 4 10 15 20 हो रहे हैं, कितना 20। और ये निकालते सिग्मा, इसको मतलब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये भी निकालते, तो ये कितना होगा बताओ, दिस विल बी 16। ये आपका देखो, ये प्लस कर लिया है, देखो तो 7 12
12 हो गया और इसमें 35 प्लस करो तो ये आपका आंसर आ रहा है। इसको सबको ऐड करने पे यू विल गेटिंग 162। कितना आ रहा है? 162 प्लस करना आपको, तो ये प्लस करना रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, आफ्टर दैट टेबल बनने के बाद आपका मीन का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था मीन का? मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला था मीन का। तो आप देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162, पुट द वैल्यू, सिग्मा एफ आई कितना है 20, यू विल गेट आंसर 8.1 को डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा 8.1 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेथड तो आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था। देखो यहीं पर नंबर कितने छोटे थे 8, 10, तो आपका कैलकुलेशन इतना लेंदी हो रहा था। अगर इसके बड़े नंबर हो तो और लेंदी कैलकुलेशन है, तो वी विल नॉट यूज दिस मेथड, हम लोग ये मेथड यूज नहीं करते। अब बात आती है मेथड यूज कब करना है, ठीक है। व्हेन वी शुड यूज दिस मेथड, कब यूज करना है? व्हेन इरेगुलर क्लास इंटरवल, कब यूज करोगे? इरेगुलर क्लास इंटरवल हो तो, मतलब क्लास इंटरवल एक में 0 से 5 है, फिर दूसरे में 5 से 20 है, फिर तीसरे में 25 से 30 है, ऐसा कुछ क्लास इंटरवल हो तब यूज करना है डायरेक्ट मेथड, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया? हाँ, तो ऐसा कुछ इरेगुलर इंटरवल दिया हो तो आप यूज करोगे मेथड, वरना नहीं यूज करो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ दे दिए, ये आपका फ्रीक्वेंसी है 6, 9 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, देन यू विल यूज दिस मेथड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अब तो सेकंड मेथड पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो बुक का है 4 पॉइंट का, क्वेश्चन नंबर 2 इज, देखो कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ द 50 वर्कर ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। डेली वेज दिया है, तो हम लोग इसको क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं, टेबल बनाएगा बनाएंगे चला क्या हुआ क्लास, इसमें आपको इंटरवल दिया 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 एंड 180 से 200, दिस इज इंटरवल गिवन टू यू। और इसका एफ आई होगा, हर क्वेश्चन में ये दो चीज तो रहती है, क्लास और एफ आई, ये आपका 12, ये 14, 8, 6 एंड 10, क्लियर। ये क्वेश्चन दिया आपके बुक में। अब वापस ये दूसरा मेथड करवा रहा हूं मैं, कौन सा मेथड है ये? सेकंड मेथड है, दिस इज अज्यूमिंग, अज्यूमिंग मेथड। तो इसमें क्या होगा आपका, देखो एक्स आई तो निकालना है, एक्स आई मतलब क्लास मार्क तो निकालना ही है, तो पहला क्लास मार्क क्या होगा 100 प्लस 120 बाय 2, मतलब 100 प्लस 120 बाय 2 कितना हो जाएगा 220 बाय 2, 1110, तो 1110, फिर 130, फिर 150, फिर 170, फिर 190। देखो एक निकाल लेना आप, उसके बाद जो क्लास इंटरवल है ना इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है 20, तो वो ऐड करते जाना, पहला निकाल लेना, फिर क्लास इंटरवल 20 तो 20, क्लास इंटरवल 50 तो 50 का ऐड करना, वहां पे क्लास इंटरवल 2 का था तो 2 तो ऐड कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। या फाइंड भी कर सकते हो फॉर्मूला से, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था फॉर्मूला से, ये हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं डी आई, क्या निकालते हैं डी आई, वो मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, स्मॉल ए ले सकते हो, कैपिटल ए ले सकते हो ए, और उसके बाद एफ आई इंटू डी आई, इतना कॉलम आपको बनाना है, ठीक है। तो देखो ए क्या होता है, ए होता है अज्यूम मीन होता है, क्या होता है अज्यूम मीन, उसको कैसे निकालते हैं, ए निकालने के लिए आपका जो एक्स आई का कॉलम है ना, एक्स आई ये कॉलम में जो मिडल टर्म होता है, तो यहाँ पे मिडल टर्म कौन सा, ये पास्ट टर्म, तो इसमें मिडल वैल्यू कौन सी ए है, ये बीच वाला 150 है तो 150 को हम लोग ए ले लेते, स्मॉल ए ले लो, ठीक है। मिडल वैल्यू को क्या लेते हैं अज्यूम मीन, ए ले लिया। अब देखो डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी आई, एक्स आई माइनस ए, तो फर्स्ट अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं उसमें एक्स आई क्या है आपका 110 और डी आई क्या है 150, कितना है 150, तो क्या करोगे 110 माइनस 150 तो कितना बचेगा माइनस 40, तो पहला क्या आएगा माइनस 40, ठीक है। अब उसके बाद 130 माइनस 150 कितना आएगा माइनस 20, 150 माइनस 150 जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 170 है एक्स आई, तो
तो 170 माइनस ए 150 कितना आएगा 20 और 40। देखो और इसको लिखने का एक और आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका ये होता है जिसको आपने ए माना है, मैंने इस कॉलम को ए माना है तो उसको जीरो कर दो, क्या करना है उसको जीरो रखना, जिसको ए माना उसको जीरो कर दो। उसके बाद नीचे पॉजिटिव जाना है, नीचे किधर जाना है पॉजिटिव और ऊपर क्या जाना है नेगेटिव, ये याद रख नीचे पॉजिटिव। अब देखो जीरो लिख दिया, उसके बाद क्लास इंटरवल कितने का है 20 का है, तो नीचे 20 20 ऐड करते हैं, तो जीरो में 20 20 20 में 20 40 और उसके ऊपर माइनस में जाना, समझ में आया, ये शॉर्टकट ट्रिक है और ऐसा कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हो। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं एफ आई इंटू डी आई, तो एफ ये रहा डी ये रहा दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो 12 × 4 हो जाएगा 480 माइनस में, क्योंकि माइनस है माइनस 280, ये तो जीरो ही रहेगा और ये 120, ये 400, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे कैलकुलेशन करना है, क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम लोग ये निकालते हैं सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है प्लस करोगे तो 20 20 20 50 है, कितना आ रहा है 50, सिग्मा एफ आई आपका 50 आ रहा है। अब सिग्मा एफ आई डी आई क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई मतलब इसकी वैल्यू वो कैसे निकालोगे, देखो उसका तरीका क्या होता है, पहले जो प्लस की वैल्यू उसको प्लस कर लो, तो ये दोनों प्लस है ना, तो इसको प्लस करो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 520। अब माइनस को प्लस कर दो तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 760, ये हो गया 600 160, तो आपका कितना बचेगा देखो 520 में से माइनस करोगे तो माइनस 240 बचेगा, माइनस 240 तो आंसर क्या आएगा माइनस 240 आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करना, कैसे करोगे, पहले प्लस वाले को कर दो फिर माइनस वाले को कर दो फिर दोनों का ऐड कर दो, प्लस वाले को किया 540 या 520 आया, फिर माइनस वाले को किया तो 760 आया, दो माइनस करने पर माइनस 240 आ गया, कि माइनस क्योंकि माइनस बढ़ा है, तो ये वैल्यू लिख कर दे। अभी आपका फॉर्मूला लगाते हैं, एज्यूम मीन का भी अलग फॉर्मूला, जैसे हमने डायरेक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था वैसे एज्यूम मीन का भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला देखते हैं। देखो एज्यूम मीन का फॉर्मूला है आपका मीन का ए प्लस एफ आई डी आई प्लस एफ आई, ये स्मॉल आएगा जैसे स्मॉल है, सॉरी कोई बुक में स्मॉल है कोई बुक में कैपिटल है, आपके एनसीईआरटी में स्मॉल है तो स्मॉल लोगे। तो ए क्या माना था पिछले में, देखो आप 120 अपने देखा था ए को, जो ये सपोज किया था ना एक्स आई वही लेना है, एफ आई डी आई कितना है माइनस 240, ये कितना है 50, कैंसिल इसको कट करोगे तो आएगा 4.8, तो आपका कितना आ गया आंसर विल बी 145.2, दिस इज योर आंसर। अब देखो ये मेथड में भी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें भी कैलकुलेशन बहुत हो जाता है, आपने देखा होगा मल्टीप्लाई करना पड़ा फिर ऐड करना पड़ा, तो इसमें भी कैलकुलेशन बहुत है, तो ये मेथड भी यूज नहीं करते नॉर्मली, ठीक है। अगर एग्जाम में लिख के आया है कि ये मेथड यूज करना तो यूज करना, वरना नहीं।